तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, क्योंकि मैं जनरली देखा हूं ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसका जवाब नहीं पता होता बहुतों को। तो मैं नहीं चाहता कि जो यहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये सवाल पता ना हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप देखोगे कि जनरली लोग जो प्रोजेक्ट में वाटर टैंक प्रोवाइड करते हैं ना हमारे छत पे, तो उस वाटर टैंक से आप देखोगे ये है हमारा डिलीवरी लाइन, जिस डिलीवरी लाइन से हमारे पूरे बिल्डिंग में, सपोज मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर ये है, ठीक है। वहां से डिलीवरी लाइन से क्या होगा कि सारे फ्लैट में पानी मेरा घुसेगा, ठीक है। ये मेरा है राइजर, ये मेरा है राइजर, और ये राइजर से आप जितना भी देख रहे हो फ्लैट के अंदर में घुस रहा है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है, डीएल, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो घर के अंदर में पानी देने वाला है। तो जनरली हम लोग राइजर वाले में, मतलब हमारा जो डिलीवरी लाइन होता है, जिस डिलीवरी लाइन से हमारे फ्लैट में पानी जाएगा, उसमें हम लोग एक टी लगाते हैं। देखिएगा, छत पे टी लगाते हैं। बहुत जगह इसको पाइप में नहीं लगा के वाटर टैंक में लगाया जाता है। टैंक के ऊपर में आप देखिएगा इस तरीके से लगाया जाता है, ये टैंक हुआ और ये तरीके से हमारा ये टी लगाया जाता है। तो इस टी को लगाने का मेन पर्पस क्या होता है, यही आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनहोल कवर होता है, मैनहोल कवर के बगल में ये टी लगाते हैं हम लोग। तो ये टी लगाने का टेक्निकल रीजन क्या है, उसको लेके आज पूरे डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ताकि आपको छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। 5 मिनट 6 मिनट देख लोगे वीडियो तो एक नया चीज सीख जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है कि वीडियो अगर पसंद आए ना तो प्लीज कुछ शेयर कीजिएगा। आपको लाइक नहीं करना है मत कीजिए, सब्सक्राइब मत करना है मत कीजिए, लेकिन वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा कि आपके जूनियर्स, मेरे भी जो जूनियर्स हैं वो सब सीख सके, जो आपके दोस्त है वो सीख सके। तो सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे आपके, सपोज ये बिल्डिंग के ऊपर में, मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर आपका ये टैंक रखा हुआ है। अब ये वाटर टैंक हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस वाटर टैंक से हमारा क्या होगा कि पानी सारे बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमेशा जो ये डिलीवरी लाइन है ना, दो लाइन होता है, एक होता है सप्लाई लाइन, एक होता है डिलीवरी लाइन। सप्लाई लाइन हम लोग सप्लाई करके इस टैंक के अंदर में पानी भरेंगे, ठीक है। वो कहां से होगा देखिएगा, वो ऊपर में लगेगा। मतलब मान लीजिए यहां पे आपका क्या है कि बोरवेल है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपका बोरवेल है, यहां पे आपका पंप लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब ये पंप क्या करेगा, यहां से पानी को लेकर वो क्या करेगा, आपको सीधा कर देगा आपके टैंक में प्रोवाइड, ये टैंक में यहां से डाल देगा, ठीक है। पंप का काम यही होता है, वो पानी को टान के खींच के आपके टैंक में डाल देगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सप्लाई लाइन। ये है मेरा सप्लाई, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टैंक के अंदर सप्लाई करेंगे पानी को। यहां से पानी क्या हो रहा है कि इस टैंक के अंदर भर रहा है। अब बहुत जन के मन में ये भी क्वेश्चन आया कि सर ये पाइप हम लोग ऊपर क्यों डाले, नीचे क्यों नहीं डाले। भैया हम लोग को ये टैंक को पूरा भरना है ना, अगर हम लोग जब तक ऊपर इसको नहीं डालेंगे तब तक ये टैंक तो भरेगा ही नहीं। अगर नीचे डालोगे तो देखो, पाइप आपका यहां पर अगर कनेक्ट कर दोगे, यहां से जब भरना चालू करोगे ना, तो क्या होगा कि बैक फ्लो करने का चांसेस यहां बढ़ जाता है। पानी क्या होगा कि बैक फ्लो करना चालू कर देगा। जब पानी को आप पंप के प्रेशर से ठेल रहे हो तब तो पानी इसके अंदर घुस रहा है, लेकिन जैसे ही पंप बंद होगा ना तो पानी क्या करेगा ना, यहां से बैक फ्लो करना चालू करेगा। लेकिन बैक फ्लो करके आपका पंप क्या करेगा, उसको तो पकड़ के रखेगा ही, ठीक है, कोई इशू नहीं है, पंप पकड़ के रख रहा है। लेकिन बाय चांस मान लीजिए आपका पंप खराब हो गया तो आप क्या करोगे, अगर ये पंप आपका जो यहाँ पे लगाया हूं मैं ये खराब हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप खाली करना पड़ेगा, ये वाला जो कनेक्शन हुआ था आपके पंप के साथ ये पाइप आपको खोल देना पड़ेगा, तब पंप को निकालो, पंप को जाके आप रिपेयरिंग कराओ। लेकिन अगर आप ये पाइप खोल दोगे तो क्या होगा, टैंक का सारा पानी यहां से क्या होगा कि नीचे फ्लडेड हो जाएगा, सारा पानी निकल के चला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो पूरा टैंक को खाली करना होगा पहले। तो हम लोग टैंक क्यों खाली करेंगे, उसी चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको नीचे से प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से डाल देते हैं। भैया पानी मेरे अंदर में रहेगा, इस पाइप में तो मेरा पानी है नहीं, जब भी खराब होगा इसको खोल लो ना, पाइप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बहुत जन बोलोगे यहाँ पे मैं बल्ब लगा दूंगा, तो भैया लगा दोगे तो बहुत वो एक्स्ट्रा खर्च है, क्यों हम खर्च करें एक्स्ट्रा, समझ में आ गया ना। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग अपने सप्लाई लाइन को ऊपर रखते हैं। अब भैया डिलीवरी लाइन, डिलीवरी लाइन हमेशा नीचे रखते हैं टैंक के, समझ में आ गया, डिलीवरी लाइन हमेशा टैंक के नीचे रखते हैं। नीचे से क्या होगा, 2 इंची उठा के रखेंगे। बाय चांस 2 इंची क्यों उठाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है आप लोग के मन में कि 2 इंची क्यों उठाएंगे हम लोग। 2 इंची इसलिए उठाते हैं कि टैंक के अंदर पानी जाते आते ना, बहुत बार क्या होता है कि इस पानी के साथ गंदगी भी जाती है,
ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि टैंक के अंदर में भी सरफेस पे गंदगी जमती है, वो धीरे धीरे क्या होती है नीचे सेटल होती है। तो अगर पाइप एकदम आप टैंक के नीचे से लगा दोगे ना, तो वो गंदगी भी आपके पाइप से नीचे चली जाएगी, आपका पाइप जाम भी हो सकता है, चोक भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पाइप को हमेशा टैंक से 2 इंची, कम से कम 2 इंची, ठीक है, उठा के रखते हैं हमेशा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग इसको उठा के रखते हैं। और ये पाइप नीचे क्यों रखे हैं, ताकि देखो ये नीचे रहेगा, पानी जब भरेगा तो ये ऑटोमेटिक यहां से फ्लो करेगा, लेकिन इसको अगर ऊपर कर दोगे तो पानी तो ऊपर से फ्लो नहीं कर सकता है ना, पानी तो ग्रेविटी से जाएगा यहाँ पे, कोई तो पंप के प्रेशर से ठेल के हम लोग यहाँ पे नहीं भेजने वाले हैं, ग्रेविटी से जाने वाला है, तो पाइप को हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं ये टी क्यों प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग देखोगे जनरली दो जगह हम लोग टी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो जो आपका डिलीवरी लाइन है, ये आपका डिलीवरी लाइन हो गया। तो डिलीवरी लाइन में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा जैसे ही टैंक से मेरा ये डिलीवरी लाइन निकलता है, उसके 1 फीट बाद या आप 2-8 इंची हो गया 10 इंची के बाद, हम लोग क्या करते हैं एक पाइप यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक इस पाइप में हम लोग क्या करते हैं एक टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये टी प्रोवाइड किए, इस टी से एक हम लोग वर्टिकल खड़ा करते हैं, वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं एक ये पाइप और एक ये पाइप निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, एक्चुअली में जब ये पानी हमारा यहां से जा रहा है ना, इस पानी के साथ बहुत सारे एयर बबल्स भी इसके अंदर जाते हैं, इस टैंक के अंदर में बहुत सारे एयर बबल्स जाते हैं। अब जब देखोगे आपके टैंक का जब पानी खत्म हो गया है ना, ठीक है, आप क्या करो अपना सप्लाई लाइन का पानी स्टार्ट कर दो, पानी जा रहा है जा रहा है, आप अपने घर में चले जाओ, अपने कल को खोलो, तो देखना उसमें से हवा फुक 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 ऐसा करेगा। ठीक है, फुक 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 मतलब हवा फेंकेगा आपका कल, आपका कल से देखना वो हवा निकलेगा। वो हवा कहां से आ रहा है पता है, जब ये पानी इसके अंदर फेंक रहे हैं ना, तो पानी के साथ हमारा एयर भी घुस रहा है, और वो एयर जब यहां से निकल रहा है, जब यहां से हमारा ये पानी आपके फ्लैट में जा रहा है ना, तो उस पानी के साथ भी एयर बबल्स जा रहा है, उस पानी के साथ भी एयर बबल्स जाते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग ये टी इसलिए लगाते हैं कि जब यहां से पानी और एयर दोनों वजह मतलब वाटर और एयर, जब ये मेरा जो डिलीवरी लाइन है यहां से जब मेरा पानी जाएगा ना, उसमें एयर भी रहेगा और पानी भी रहता है। तो ये टी का मेन मकसद क्या होता है कि जब पानी यहां से पास करे ना, तो इसमें जितने भी एयर बबल्स है वो सारा यहां से निकल जाए, हवा यहां पे सारा निकल जाए, और आपको आपके फ्लैट में मैक्सिमम जो प्रेशर पानी का मिलना चाहिए वो मिले, ये नहीं कि उसमें से बुक 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 करके उसमें से हवा निकले। समझ में आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर मेरे घर में तो ये टी प्रोवाइड किया हुआ है छत पे, फिर भी जब हम लोग का टैंकी का पानी खत्म हो जाता है, तब हम लोग जब ये पानी चार्ज करते हैं, तो उस वक्त मेरे कल से भुक 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 वो हवा वाली ऑप्शन आती है, वो हवा निकलता है, वो क्यों निकलता है अब मैं आपको बताता हूं। जब आपका टैंक खाली हो गया, तब ये जो पाइप है ना, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, जब कोई पानी नहीं है तो इसके अंदर हवा ऑलरेडी चली गई है। समझ में आ गया, उस पाइप के अंदर में हवा चली गई है। अब जब आप यहां पे क्या कर रहे हो, अब जब यहां से आप पानी इसको भर रहे हो ना, तो सबसे पहले हवा जाती है आपके पाइप से। पहले क्या हुआ कि हवा ऐसे ऐसे ट्रेवल किया, हवा ट्रेवल करके क्या हुआ कि आपके घर में घुसा, आपके घर में घुसा, सबके घर में घुसा। तब उस वक्त आप जब इनिशियल स्टेज में आप कल को स्टार्ट करोगे ना, तो पहले हवा ही निकलेगा। तो आप ये मत सोचो कि आप टी प्रोवाइड किए तो हवा नहीं आने वाला है। जब टैंकी खाली होता है ना, जब टैंक खाली हो गया, तो आपके इस पाइप में हवा ऑलरेडी घुस चुका है, वो हवा तो निकलेगा ना पहले। तो वही पहले आपके टैप से क्या होता है कि वो हवा सब निकलता है, हवा के साथ निकलने के बाद जब इस पाइप में पानी भरना चालू हो जाता है ना, तब धीरे धीरे पानी आती है, और उसके बाद क्या होगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा, आपके पाइप से हवा नहीं आएगी, वो सारा हवा क्या होगा यहां से निकल के चला जाएगा, जितने भी एयर पॉकेट्स है वो ऊपर से निकल के चले जाएंगे। बहुत कोई क्या करता है, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पे लगा देते हैं, ये टैंक है, टैंक के ऊपर में लगाते हैं। टैंक के ऊपर में क्या होता है कि एक्चुअली देखिए ये होता है, अगर मैं आपको फ्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो बताता हूं। जैसे ये आपका सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन से आप क्या किए कि यहां पे भर रहे हो पानी, ठीक है, ये पानी भर रहे हो, ये पाइप के ऊपर में इतना ना ये फ्री बोर्ड होता है, FB फ्री बोर्ड मतलब इतना ये खाली रहेगा। अच्छा एक बात समझिए और आसान भाषा में समझाता हूं, जब इस टैंक में मेरा पानी नहीं था, तब ये टैंक पूरा किस चीज से भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ है, ठीक है, हवा से भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहां से पानी भरना मेरा चालू हो गया, जब पानी नीचे से लेवल से ये भरना चालू हो गया, जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा ना, पानी के ऊपर वाले मीडियम में क्या है, हवा है मेरा। अगर मान लीजिए पानी इतना भर चुका है, तो इस पानी के ऊपर में ये जो भरा हुआ है ये क्या है, ये हवा है। धीरे धीरे हवा क्या हो रहा है, कंप्रेस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टैंक का वॉल्यूम है, टैंक जो है उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, हाँ, तो नीचे से क्या हो रहा है कि जब पानी भरते भरते जा रहा है ना, उसके ऊपर में हवा प्रेजेंट है, वो हवा तो कंप्रेस होता हुआ जा रहा है, कंप्रेस होता हुआ। तो वो हवा को हम लोग कहां से निकालेंगे, वो हवा हम लोग निकालेंगे टी दे देते हैं यहां से,
ये टी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हवा क्या होगा धीरे धीरे यहां से निकलना चालू हो जाता है, ठीक है, हवा यहां से निकलना चालू हो जाता है। साथ में ये फ्री बोर्ड भी हम लोग क्यों छोड़ते हैं, बहुत जगह क्या होता है कि यहां पे टी नहीं डालते हैं हम लोग, यहां पे टी डालते हैं तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं फ्री बोर्ड देते हैं, ये फ्री बोर्ड तो डालना ही है। फ्री बोर्ड का मतलब हमारा मैक्सिमम पानी जो है ना वो इतना ही जाएगा, इसके ऊपर हमेशा खाली रहेगा और उसी खाली जगह से हमारा एयर रहता है, ठीक है, उसी खाली जगह में हमारा एयर रहता है और वो निकल जाता है हमारे इस टी से। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अब कभी भी आपसे कोई भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि हम लोग टी क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो एयर बबल्स को निकालने के लिए करते हैं, ये समझ में आ गया, एयर बबल्स को निकालने के लिए करते हैं। अब बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपके पास आपके घर में ये टी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, आपके वहां पे ये वाला टी प्रोवाइड किया हुआ है, तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा, अब आपके मन में आएगा सर पानी में जो मेरा एयर है वो तो यहां से पास हो रहा है लेकिन यहां से निकल नहीं रहा है, वो चीज एक्चुअली में निकलेगा यहां से, कैसे बताता हूं। देखिए हवा हल्का होता है, अगर पानी के अंदर में हवा है तो उसका जो डेंसिटी है वो कम है और जो चीज हल्का होता है वो क्या होगा, वो ऊपर जाकर तैरना चालू करेगा। तो मान लीजिए आपका टैंकी यहां पे भर गया, स्पीड से भर गया, ठीक है, स्पीड से भर गया, अब जब यहां से पानी जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आपको एयर मिलेगा, नहीं मिलेगा, इनिशियल स्टेज में थोड़ी देर मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इस पानी के अंदर जितने भी बबल्स होंगे ना, इस पानी के अंदर जितने भी बबल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका डेंसिटी कम है इसलिए क्या होगा धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे सरफेस पे आएगा, वो सरफेस पे आने के बाद, मान लीजिए वो सरफेस पे आने के बाद अगर मान लीजिए आपका यहां तक टोटल भर गया, ठीक है, अब एयर बबल सारा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऊपर सरफेस पे आ रहा है, चल चल के वो किस जगह पे आएगा, जहां पे आपका फ्री बोर्ड है ना, जो खाली जगह है वहां पे चला आएगा और वहां से ये सारा हवा क्या होगा इस टी के थ्रू बाहर निकल के चला जाएगा। समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऊपर में आपका टी प्रोवाइड किया हुआ है, तब जब पानी स्पीड में भरेगा तब तो वो एयर यहां से जाएगा ही जाएगा आपके पाइप से, तो वो तो आपके घर से ही निकलेगा वो एयर, लेकिन आपको ये भी बताना है कि ये हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि एयर का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, तो उसका टेंडेंसी होगा धीरे 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 बुलबुला करके खड़ा होने का। देखिएगा आप कोई भी एक्वेरियम में देख लीजिए, कहीं से भी आप देखोगे, जब नीचे से हम लोग उसमें पानी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि बुलबुल 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 करके निकलता है, वो क्या होता है कि जो उसके अंदर हवा है ना वो डुब डुब करके बाहर निकलती है। समझ में आ गया। और एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो अगर आप अपने डिलीवरी लाइन में अगर आप इस टी को प्रोवाइड करते हो ना, तो किस हाइट पे प्रोवाइड करोगे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर आप इसको सही जगह पे सही हाइट पे नहीं डालोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, टैंक आपका भरता जाएगा और जैसे ही पानी इस डिलीवरी लाइन से निकलेगा ना, अगर ये कम हाइट पे आप डाल देते हो तो सारा पानी क्या करेगा यहां से फ्लो करना चालू कर देगा। जब आपका पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और पानी के लेवल से आपका टी का लेवल क्या है कि डाउन है, तो पानी क्या करेगा कि यहीं से निकलना चालू हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। सेफ साइड में रहने के लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देता हूं, पानी टैंकी में जो पानी का लेवल है ना, उस पानी के लेवल से इस टी का लेवल हमेशा ऊपर रहेगा। समझ में आ गया। नहीं तो क्या होगा कि पानी जब इस टैंक में इस लेवल में है, तो आप मान लीजिए आपके टी में भी इस लेवल पे है, पानी का जो लेवल होता है वो हमेशा चारों तरफ लेवल एक ही होगा, चाहे आप कितना भी कटआउट कहीं भी कुछ भी निकाल दो। समझ में आ गया। कितना भी कर्व टाइप कुछ भी कर दो, पानी का लेवल तो सेम रहेगा हर जगह। तो अगर यही अगर आपका नीचे रहता है यहाँ पे, तो क्या होगा कि पानी यहां से निकलता रहेगा और आपका कोई यूज नहीं रहेगा। तो ये टी को हमेशा इस वाटर लेवल से ऊपर रखना चाहिए। अब देखिए बात, आप तो टैंकी के अंदर में घुसे हुए नहीं हो कि पानी का लेवल आपका कहां पे, आपको पता चलेगा, ठीक है, एक बात ये मान लेते हैं कि पता नहीं है, तो हम लोग सेफ साइड में रहने के लिए क्या करते हैं, जो टैंक का टॉप लेवल हमारा होता है ना, उस टॉप लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हम लोग इस टी को सेफ साइड में रहने के लिए। क्लियर हो गया। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ये एयर को निकालने के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताया यहां पे, क्योंकि वीडियो का टॉपिक था कुछ और, लेकिन फ्लो में बोलता हूं तो बहुत कुछ उस टॉपिक से बोल देता हूं आप लोग के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आज का टॉपिक। इसको एक काम करना है, जस्ट शेयर करना है और कुछ नहीं करना है आपको, शेयर कर दीजिएगा तो बस मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फ्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।